नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन के लिए बहुत ही खास होता है, खासकर जिनका पहला करवा चौथ है। अगर आपका पहला करवा चौथ नहीं भी है तो इसी बहाने अपनी खूबसूरती के लिए ये आसान उपाय जरूर कीजिए। करवा चौथ पर चांद सा डगमगाता चेहरा पाने के लिए आज हम आपको नानी दादी के जमाने के कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जो आपको इस स्पेशल मौके पर खूबसूरती बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन फेस मास्क के लिए सारा सामान आपको घर के किचन में मिल जाएगा, इस वजह से ब्यूटी पार्लर जाने की झंझट से आपको निजात मिल जाएगी। बेसन और हल्दी का फेस मास्क। बेसन और हल्दी का फेस मास्क स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सदियों से महिलाएं सुपटन का प्रयोग चेहरे की कांति बढ़ाने के लिए करती आ रही हैं। ये चेहरे पर जमा डेड स्किन को हटाने के साथ ही चेहरे की ग्लो को बढ़ाता है। इसके लिए एक टेबल स्पून में एक चुटकी हल्दी, गुलाब जल और बेसन मिलाएं। इन सभी सामग्री को एक साथ मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा लें। इसके बाद चेहरे को धो लें। गुलाब जल और ग्लिसरीन। 4 टेबल स्पून गुलाब जल में 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन मिलाएं और इसमें 1 टेबल स्पून सल्फर पाउडर मिला दें। इस लेप को रात भर चेहरे पर लगा के छोड़ दें। सुबह उठकर पानी से चेहरा धोएं। इस लेप से एक मुहासों की समस्या से निजात पाने के साथ साथ दाग धब्बे भी चले जाएंगे। संतरे के छिलके का फेस पैक। संतरे के 20 ग्राम सूखे छिलके में 5 ग्राम सूखे नीम के पत्ते लें और इन्हें पीस कर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में 5 ग्राम चंदन पाउडर और आटा मिलाएं। इस मिश्रण में 5 मिली बादाम तेल और 5 मिली तिल का तेल मिलाएं। अब इस उपटन को रात भर चेहरे पर लगाएं और फिर सुबह पानी से चेहरा धो लें। इस उपटन को लगाने से चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। शहद और दूध। करवा चौथ पर ग्लोइंग और हाइड्रेट स्किन के लिए दूध में शहद मिलाकर फेस मास्क बना सकती हैं। इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसको पानी से साफ कर लें। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।